जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज हम सीखेंगे कराटे के लास्ट दो ब्लॉक्स के बारे में। तो चलिए सीखते हैं पांचवें ब्लॉक के बारे में। आप अपने एक हाथ को इस तरह से रखें और दूसरे हाथ को यहाँ, अब इसे काटते हुए इस जगह पे लाना है, बस यहाँ, और ये दूसरे हाथों को पुल बैक रखना है, बस यहाँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से रखना है, और एक बार देखिए, इस तरह से लेते हुए इस तरह से, कोहनी को ज़्यादा उठाना नहीं है, नीचे भी रखना नहीं है, बस शोल्डर उठना नहीं चाहिए, शोल्डर उसी जगह पे रहेगा, बस कोहनी ये कोहनी इस तरह से उठेगी, बस इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, वन इस तरह से, साइड एंगल से देखिए, इस तरह से, बस यहाँ यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ से लेके आना है हाथों को, हाथ को, और यहाँ रखना है, यहाँ से इस तरह से, इसे स्पीड करते हैं, देखिए इस तरह से, वन टू थ्री फोर, करें उसे देखिए दोस्तों, वन टू थ्री, अब ज़्यादा इधर नहीं, ज़्यादा भी आगे भी नहीं, बस इस लेवल पे आपको रखना है, अपने शोल्डर की इस पोजीशन में रखना है, ज़्यादा बाहर की ओर नहीं, बस यहीं। अब जानेंगे इसके यूज के बारे में। तो ये ब्लॉक कहाँ यूज होता है? अगर कोई लीवर पंच इस जगह से मारे तो ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक, अगर कोई किक मारे तो इस जगह पे ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक होता है। अगर इस जगह पे कोई भी किक्स या पंच कोई मारे तो ब्लॉक यहाँ होता है, इस जगह से बस लेके ब्लॉक करना है। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं आखिरी बेसिक्स ब्लॉक के बारे में। तो सबसे पहले अपने एक हाथ को आप इस तरह से बैंड करके रखें, अब इस तरह से लेके आप बस यहाँ इस तरह से, देखिए दोस्तों और एक बार, इस तरह से लेके लास्ट में सीधा हाथ के एंगल को देखिए, ना इस तरह से होना चाहिए और ना इस तरह से, बस इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, देखिए साइड एंगल से देखिए दोस्तों, ये इस तरह से लॉक, ज़्यादा हाथ को पास भी नहीं रखना है ना दूर, बस यहाँ पे ही रखना है, देखिए ये वन टू, देखिए इस तरह से वन, और एक बार दोस्तों इस तरह से, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, यहाँ से ये बस इस तरह से। अब हम इसे स्पीड करते हैं, देखिए वन टू थ्री फोर, इस तरह से देखिए दोस्तों, वन टू थ्री, बस ध्यान देने की बात यह है कि आप इस तरह से करिए, बस और कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से वन, यहाँ से टू, बस उम्मीद है आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो हम अब इसके यूज के बारे में सीखते हैं, ये कहाँ यूज हो, पंच करें तो इसे किस जगह पे और कैसे ब्लॉक करते हैं। अगर कोई आपको स्ट्रीट फाइट जैसे रोड में बाहर, अगर कोई आपको राउंड पंच मारे, इस तरह से राउंड पंच, इस तरह से कोई पंच मारे तो इसे
इस तरह से ब्लॉक करना है, यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से ब्लॉक, इस तरह से। अगर कोई राउंड पंच या फिर कोई किक्स फेस में किक्स करे तो इसे ब्लॉक करना है, यहाँ से, यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से ब्लॉक। दोस्तों हमने सीखा कराटे के 6 बेसिक ब्लॉक्स के बारे में, आप इसे घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।